बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक की, इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, देखते हैं क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोरिस सो ज्यादा नहीं करते थे ड्यू टू रेजोनेंस, बट इसी रेजोनेंस की वजह से ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन काफी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमने रेजोनेंस की स्ट्रक्चर को बनाया था तो इस टाइप से Cl के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड अरेंजमेंट है बेंजीन में, तो यहां पर जब ये अपना बना रहे थे तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा Cl के साथ में, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे माइनस लाएगा और ये कंडीशन चल रही है। ये हमारे पास सेकेंड स्ट्रक्चर है, जिसे फर्स्ट सेकेंड अगेन, ये लास्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ इसे। यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ से बॉन्ड बनेगा आपका यहाँ और ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा माइनस इस कंडीशन से, और नेक्स्ट में आपके पास Cl डबल बॉन्ड प्लस और यहाँ ये आपका बॉन्ड बनेगा और ये फिर क्या रहेगा माइनस चार्ज रहेगा और एट लास्ट आपका स्ट्रक्चर इस टाइप से आएगा Cl सिंगल बॉन्ड 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 एंड। क्लियर, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपके थर्ड है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में तीन जगह, एक ये और ये, मैं कह सकता हूं दो जगह आपका आर्थो आता है और एक जगह आपका पैरा आता है, यानी कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपका इन्हीं पोजीशन पे आगे क्या होता है अटैच होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं और आर्थो एंड पैरा पोजीशन के ही आर्थो एंड पैरा पोजीशन के ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये बनाते हैं एक मिक्सचर और मिक्सचर में क्या होंगे आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सॉरी आर्थो एंड पैरा जो होगा आपका दोनों पोजीशन का यूज हो रहा होगा उस मिक्सचर में, दोनों प्रोडक्ट होंगे इसमें, एक प्रोडक्ट में आपका आर्थो पोजीशन यूज होगा, दूसरी पोजीशन में आपका पैरा यूज होगा। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन के, एग्जांपल बहुत इजी हैं, क्लास 11 से ही हम लोग पढ़ रहे थे उन्हें। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी हैलोजिनेशन। ठीक है बेटा, क्या है आपके पास, फर्स्ट है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है किसी भी हैलोजन के साथ में हम क्या करेंगे रिएक्शन को कराएंगे। क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहां पे कैटलिस्ट यूज हो सकता है FeCl3। ठीक है, तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट होगा एक बार आपका कौन सा ग्रुप यूज होगा आर्थो और सेकेंड टाइम आपका ग्रुप सॉरी पोजीशन कौन सा यूज होगा पैरा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही आर्थो और पैरा दोनों का क्या बनाते हैं ये मिक्सर बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट है ये हमारे पास हैलोजिनेशन था, इसके बाद हमारे पास आएगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में सभी को पता है किससे रिएक्शन करेंगे बेटा, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, हमेशा नाइट्रेशन में रिएक्शन करते हैं किससे HNO3 कंसंट्रेट। ठीक है, और क्या बनाएगा नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज नाइट्रो, एक बार आपका NO2 आर्थो पोजीशन पे और एक बार आपका NO2 पैरा पोजीशन पे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सल्फोनेशन।
और एक और इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी दो टाइप से होती हैं। एक आपका होता है एल्काइलेशन एंड सेकेंड आपका होता है एसाइलेशन। क्लियर? एल्काइलेशन में रिएक्शन होगा किसी भी एल्किल हैलाइड से और एसाइलेशन में रिएक्शन होता है एसिटिल क्लोराइड से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सेम टाइप से रिएक्शन कराएंगे, एक बार आर्थर पोजीशन CH3 के साथ आएगा, एक बार पैरा पोजीशन CH3 के साथ आएगा। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क है, बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए।